नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगा इस वीडियो से। दोस्तों, आज जितने भी प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ये झारखंड राज्य के निर्माण के दौरान जो जो समितियाँ बनाई गई थी दोस्तों, उसकी स्थापना वर्ष देखेंगे और उसके संस्थापक देखेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न का जिक्र हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न झारखंड के प्रमुख समितियां से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली झारखंड से रिलेटेड जॉब के नोटिफिकेशन और झारखंड के करेंट अफेयर्स और जीके का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित संस्थाएं और समितियां। दोस्तों, झारखंड जिस समय अलग हुआ बिहार से, उस समय उसके पहले कौन कौन सी समितियां का गठन किया गया और इसके संस्थापक कौन है, ये अक्सर एग्ज़ाम में झारखंड के एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्साइज कॉन्स्टेबल और स्पेशल ब्रांच जैसे एग्ज़ामों के लिए। तो दोस्तों, पहला जो समिति का नाम है दोस्तों, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी संस्थापना दोस्तों 1912 ईस्वी में किया गया था और इसके संस्थापक थे जे बार्थोलोमेन। अगर दूसरी समिति का बात करें दोस्तों, तो दूसरा समिति था छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसका स्थापना 1915 में जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया। और तीसरा है दोस्तों, किसान सभा। दोस्तों, इस सभा से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं किसान सभा से रिलेटेड। इसके स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1930 ईस्वी में किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे, तो ठेबले उरांव। चौथा समिति है दोस्तों, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, जिसका गठन 1933 ईस्वी में किया गया और इसके संस्थापक कौन है, तो बोनीफेस लकड़ा। अगला समिति दोस्तों, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, इसके स्थापना वर्ष है 1938 और इसके संस्थापक कौन है, तो थियोडोर सुरीन। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड पार्टी, ये समिति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 1963 में कांग्रेस में विलय हो गई। झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे, तो जयपाल सिंह। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कब हुआ, तो 1963 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना कब हुआ, तो इसका 1954 में स्थापना हुआ और इसके संस्थापक कौन थे, तो सुखदेव महतो। अगला समिति है बिरसा सेवा दल। दोस्तों, यह झारखंड का प्रथम छात्र संगठन भी था बिरसा सेवा दल, जिसके स्थापना वर्ष है 1965 और संस्थापक कौन थे, तो ललित कुजूर। अगला समिति है दोस्तों, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, और ये पार्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो इसके स्थापना कब हुआ था, तो 1967 में और इसके संस्थापक कौन थे, तो बगुन सुम्बरई। अगला समिति है दोस्तों, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, इसका स्थापना वर्ष है 1968 और इसके संस्थापक हैं कार्तिक उरांव। अगला समिति है दोस्तों, हुल झारखंड पार्टी, जिसका दूसरा नाम दोस्तों क्रांतिकारी झारखंड पार्टी। हुल झारखंड पार्टी को ही क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से जाना जाता था और दोस्तों इस पार्टी का स्थापना 1969 में किया गया था जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। अगला समिति है दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो, जिसके संस्थापक विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन ये थे और संस्थापक और स्थापना कब हुआ था, तो 1973 में। 13वां समिति है दोस्तों, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, झारखंड का द्वितीय छात्र संगठन कौन है, तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, जिसका स्थापना 1986 में किया गया, किसके द्वारा, तो सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। अगला समिति है दोस्तों, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी JCC, इसका स्थापना वर्ष है दोस्तों 1987। अगला समिति है दोस्तों, झारखंड विषयक समिति कमेटी ऑन झारखंड, जिसका स्थापना दोस्तों 1989 में किया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला समिति है दोस्तों, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी कि जैक, इसका स्थापना कब किया गया, तो 1995 में बिहार सरकार के द्वारा। तो देख लेते हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम में अक्सर कौन कौन सी समिति एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको जो ज़्यादा ध्यान में रखना है दोस्तों, तो ये आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसान सभा, छोटा नागपुर उन्नति समाज, झारखंड पार्टी, और अगला को ध्यान में रखना है दोस्तों बिरसा सेवा दल, ऑल इंडिया पार्टी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी कि जेक। ये सारे पार्टी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके स्थापना वर्ष और इसके संस्थापक कौन थे। अब दोस्तों आइए हम देख लेते हैं इसी से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न झारखंड में पूछे जाते हैं समितियों से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की। ऑप्शन है जे बार्थोलोमेन,
जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, सुखदेव महतो। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे समिति से रिलेटेड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जे बार्थोलोमेन के द्वारा कृषि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया, और कब किया गया तो 1912 में। दूसरा प्रश्न दोस्तों कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन है जुएल लकड़ा, जयपाल सिंह, कार्तिक उराव या शिबू सोरेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, जुएल लकड़ा के द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किया गया था 1915 में। तीसरा प्रश्न दोस्तों किसान सभा की स्थापना किसने की, ठेबले उराव, कार्तिक उराव, जयपाल सिंह या जस्टिन रिचर्ड। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ए, ठेबले उराव के द्वारा किसान सभा की स्थापना किया गया 1930 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन है दोस्तों जे बार्थोलोमेन, जुएल लकड़ा, ठेबले उराव या थियोडोर सुरीन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, थियोडोर सुरीन। कब किया गया तो 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा में छोटा नागपुर में इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे, एन ई होरो, जयपाल सिंह, सुशील कुमार बागे, कार्तिक उराव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, जयपाल सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे, 1950 में जो झारखंड पार्टी की स्थापना किया गया था तो इसके संस्थापक कौन थे, ऑप्शन है जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, करिया मुंडा, बाबूलाल मरांडी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, झारखंड पार्टी का गठन जो 1950 में किया गया था इसका गठन जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था, ऑप्शन है सत्यदेव साहू, सुखदेव साहू, राम नारायण खालको या ML अग्रवाल। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, सुखदेव महतो। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था तो सुखदेव महतो। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 में जिसकी स्थापना हुआ था इसके संस्थापक कौन थे, बागुन सुंबरई, जुएल लकड़ा, ठेबले उराव या थियोडोर सुरीन। इसका सही उत्तर दोस्तों ए, बागुन सुंबरई के द्वारा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 में जिसकी स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया तो कार्तिक उराव, जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ए, कार्तिक उराव के द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किया गया। कब किया गया तो 1968 ईस्वी में। दसवां प्रश्न का उत्तर आपको बताना है दोस्तों हुल झारखंड पार्टी जिसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है इसके संस्थापक कौन थे, जस्टिन रिचर्ड, जे बार्थोलोमेन, जुएल लकड़ा या कार्तिक उराव। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ए, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था 1969 में। अगला प्रश्न का उत्तर आपको बताना है दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे झामुमो कहा जाता है के संस्थापक में शामिल नहीं थे, आपको इसमें ऑप्शन बताना है कि कौन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक नहीं है, इसमें बताया पूछा गया इस क्वेश्चन में, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, AK राय, जयपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर दोस्तों डी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक में से जयपाल सिंह शामिल नहीं थे। बारहवां प्रश्न का उत्तर आपको बताना है दोस्तों झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक का गठन कब किया गया था, 9 फरवरी 1995, 9 अप्रैल 1995, 9 जून 1995 या 9 अगस्त 1995। तो इसका सही उत्तर दोस्तों डी, 9 अगस्त 1995 को झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया गया, और किसके द्वारा किया गया था ये बिहार सरकार की तरफ से किया गया था। अगले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है दोस्तों बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति KR नारायणन ने कब हस्ताक्षर किए थे, 25 फरवरी 2000 को, 25 अप्रैल 2000, 25 जून 2000 या 25 अगस्त 2000। तो इसका सही उत्तर दोस्तों डी, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों कि झारखंड का निर्माण कब हुआ, 1972, 1992, 2000 या 2008। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सी, 2000 ईस्वी में झारखंड का निर्माण हुआ, किससे अलग हुआ तो बिहार से। अगला प्रश्न का उत्तर आपको बताना दोस्तों कि पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया, 15 नवंबर किसका जन्मदिन है, तिलका मांझी, सिद्धू, भागीरथ मांझी या बिरसा मुंडा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, बिरसा मुंडा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट समितियां थी दोस्तों कि झारखंड राज्य के निर्माण के दौरान जो भी समितियां बनाई गई थी उसके संस्थापक का अध्ययन किए और स्थापना वर्ष के अध्ययन किए, और जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में कराए गए दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके झारखंड के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो आगे आने वाले एग्जामों में ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों इसी तरह के टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए झारखंड से रिलेटेड
आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें ताकि आपको अपडेट सही समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।